अरे हाँ जावेद भाई, ये भट्टी से आपने बड़ा इमेज इमेज बनाया हुआ है। मैंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं झूठ नहीं बोल अच्छा रहा। बस। मीट द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। यू गॉट द जॉब। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसको कोई नया स्टाइल दीजिए, राज की कोई ट्यूनिंग श्यूनिंग, कोई डेंटिंग पेंटिंग कीजिए। हैं जी जी, बिल्कुल, आप बोले। मेरी मैं बाल ही कटाऊंगा, मैं बाल कटा गया। ठीक है, अगर तुम रेडी हो। श्योर श्योर। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जिस लड़की से शादी करनी है ना, उससे जरूर पूछ लेना। ओपन। विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी मिशेल? प्लीज से यस। मिशेल, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मुझे बेसमेंट बड़ी पसंद है यार, मैं बड़े शौक से नीचे बैठा रहता हूँ। ये देख, ये मैंने तेरा बिस्तर भी कर दिया है, पानी भी रख दिया है, तेरा सामान भी रख दिया। और किसी चीज की जरूरत है तो बता, शर्माने की जरूरत नहीं है, तेरे मामू का घर है। नहीं खैर, पक्का? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाथरूम ऊपर है, तो अगर तुमने बाथरूम जाना है ना तो अभी चला जा, क्योंकि रात को उठ के जाएगा तो थप थप की आवाज आती है, तो बच्चे और मामी तेरी डिस्टर्ब होते हैं ना खाम खा। और इसी के बात को दिल पे नहीं लेना है, बच्ची छोटी है, वो बड़ी हो रही है ना, तो मूड खराब हो जाता है बच्चों का इस उम्र में। हैं, टेंशन नहीं लेनी है। सही है। अच्छा, कोई किसी चीज की जरूरत बोले? नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का? पक्का। तो मेरा शेर, चल फिर सुबह मुलाकात होती है तेरे से। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Jean-Pierre. Good morning. Do you want to eat breakfast? He can make it himself. Just the ears. The bread and pans are lying in there. Where? In there. Yeah, we have sausage too. Oh, I don't. It's chicken sausage. Body gets it. Don't worry. It's supposed to be halal. I'll just have some juice. Jean-Pierre? Yeah. Are you a terrorist? No, what? Well, Jim's father is a Marine, and he said all terrorists come from Pakistan. Quietly eat your breakfast, Mark. Why do I look like a terrorist? Well, you have a beard. Mamu has a beard. He's not a terrorist. Who? Bhatti, your father. He's not our father. He's our stepfather. Tim's here. I gotta run. Mark, finish your breakfast, then go wait in your room for your bus to get here. Why can't I sit here? I'm telling you to go wait in your room. हेलो। हाँ आलिया। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं बस मिसेज इकबाल के घर से निकल रही हूँ। यार तुम पार्लर आ जाओ जरा। क्यों, मेरी तो और कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं, एक्चुअली सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है और वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, सो कैन यू प्लीज कम क्विकली। अच्छा, ओके, आती हूँ। मिशेल, आपके लिए फरहान का फोन है। रिजवान का? नहीं, रिजवानी फरहान, वो मीरशाह वाला। अच्छा, ठीक, मैं आती हूँ। मेरे लिए और कोई फोन तो नहीं आया? नहीं, कोई और फोन तो नहीं आया। मैं एक दो दिन से नहीं आ रही थी, रिजवान तो नहीं आए रेस्टोरेंट? नहीं, रिजवान साहब तो बहुत दिन हुए नहीं आए।
ये नौकरी तुम पार्लर पर करती हो या लोगों के घरों पे जा जा के करती हो? इतनी देर इंतजार करके आई हो वहाँ से? ताई जी, हाँ पौन घंटे बैठी हूँ वहाँ। वो मैं एक क्लाइंट के घर गई हुई थी अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं मना किया था ना घर घर जाके अपॉइंटमेंट्स ना लिया करो। और हाँ, ये हम थोड़े दिन घर से बाहर क्या रहे कि तुमने बिल बिल पे करना सब छोड़ दिया? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो सारे बिल्स पे किए। कहाँ से कर दिए? ये देखो घर की लीज वाला लेटर ऐसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, वो एक अलग कहानी है। मुझे इस हफ्ते के एंड में पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ये जमा नहीं कराया अभी। घर की लीज की बात आई तो पैसे नहीं जमा करवाए। अच्छा खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, उसको ईमान को रास्ते से लेती जाऊँगी। नहीं, ईमान का तो आज बास्केटबॉल मैच है, काम के बाद मैं उसे पिक कर लूँगी। अरे वाह, वो क्या कोई गोरों की बच्ची है जो गैरों के सामने कूदती फिरे? पाकिस्तानी रहने दो उसे। ईमान तैयार हो गई बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं। ईमान, व्हाट हैपेंड? दादी सेज कि मैं डांस क्लास नहीं जा सकती। ये कब कहा? अभी। और क्यों? शी सेज कि शरीफ लड़कियां डांस नहीं करती। नो 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 नो, लिसन, टू वीक्स प्रीवियस आई पे दिस, इमरान, दे आर सेइंग दिस बैलेंस इज स्टिल द सेम, हाउ पॉसिबल? आई डोंट नो इफ यू पेड इट और नो। आई पे, आई मीन आई स्वेयर आई पे। मामू, ये प्रेजेंट्स भेजे हैं नानी ने। ओए, ये मार्क के लिए है, स्वेटर। अरे वाह वाह वाह, आज दिस इज फॉर इजाबेला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नानी ने, शी विल लव इट। या आपके व्हाट इज इट? अरे शॉल है, शॉल। हां, सो शॉल यू कैन वेयर इट इन विंटर फॉर द कोल्ड। ओह ओके, थैंक्स। Listen, I don't think the kids are going to wear either of these things. Nahi nahi, bada pasand aayega bachcho ko. English? They like it. Look, all right, whatever. I got to go out to lunch and I want you to take care of the laundry. No, how can I do the laundry? Look, Imran, that's not my problem. Just take care of it. But Kathy, listen. Look, here, Jamshed's not doing anything. He's just here. Make use of him. Have him doing the laundry. I gotta go. चलो वैसे कह तो आपस की बात है, वो ठीक ही रही है। चलो इसी बहाने तुझे भी पता चल जाएगा कि हमारा धोबी घाट किधर है। क्या कहा आपने ईमान से? क्यों? कितनी दफा कहा है मैंने आपसे कि उससे इस तरह की बातें मत किया करें। क्यों ना किया करूं? बच्ची है वो। बच्ची है इसीलिए उससे ये सब बताना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उम्र देखिए आपने उसकी, और ये कौन डिसाइड करेगा कि सही गलत क्या है? उम्र देखिए इसीलिए कह रही हूँ। क्या गलत है डांस क्लासेस में? क्लासिकल डांस सीख रही है वो, बताएं मुझे क्या गलत है? अरे नाचने वाली बनाओगी उसे? ताई जी जरा सोच समझ के बोला करें। सोच समझ के ही बात कर रही हूँ, तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत तो मुझे नजर आ चुकी है। ऐसा क्या किया मैंने? किससे पूछ के डांस क्लास में दाखिल करवाया उसे तुमने? उसकी एज की और भी लड़कियां उस डांस क्लास में होती हैं, वो अकेली नहीं होती। वो एक पाकिस्तानी घराने की बच्ची है, समझी तुम? और ये सब बेहाई हमें नहीं सूट करती है। अच्छा, और वो शाहरुख और जहरा, उनकी बेटियां जो उस क्लास में हैं वो? अरे तो उनकी बच्चियों से हमें क्या लेना देना? और बेहाई के जिस उस पे वो फायज है ना, वहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। किस किस्म की बेहयाई की है उन्होंने? हाँ हाँ, तुम तो मजे से अपने काम पे चली जाती हो, जवाब तो यहाँ मुझे देना पड़ता है ना लोगों को। मैं जिस काम पे जाती हूँ ना मजे से, वो इस पूरे घर को सपोर्ट करता है। बस बस, रहने दो एहसान जताना। ईमान हर हाल में डांस क्लासेस पे जाएगी, और आगे की क्लासेस की भी मैं बुकिंग कराऊंगी। अरे मगर मेरी मर्जी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपकी और मेरी मर्जी की बात ही नहीं है, ये ईमान की खुशियों की बात है, और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बेटा, लेट्स गेट रेडी।
जमशेद ये है लॉन्ड्री, जा जाके कपड़े धो ले अपने। भाई मैं नहीं पहले गया कहीं लॉन्ड्री वॉन्ड्री गया खुद से। जब मैं आया था ना पाकिस्तान से तब मुझे भी कुछ नहीं आता था, फिर वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लिया मैंने। भाई मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे नौकरी करनी है, लॉन्ड्री नहीं करनी। ओहो अपने गंदे कपड़े धोने में क्या हर्ज है, जा जाके धो। भाई जब आपकी अपनी टैक्सी कंपनी है तो फिर मेरा टैक्सी चलाने में क्या मसला है। तुझे कहा है ना कि सब कुछ हो जाए, बस सब्र कर ले थोड़ा सा, टैक्सी भी चला ले। तो मैं इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आया हूँ मामू। अरे उस लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते यहाँ पे, क्यों नहीं समझ में आ रही तुझे बात। जा जाके कपड़े साफ कर इससे पहले कि तेरी मामी मेरी तबीयत साफ कर दे, और ये रख ले पैसे, कुछ खा लें ना, घूम फिर लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। हाँ जाऊँ बस। मैं पहली बार आया ना लॉन्ड्री करने, पाकिस्तान में तो धोबी से काम चल जाता है मेरा। मिशेल के साथ सब ठीक है? उसने रिंग नहीं ली। ओह हेलो, मैं जमशेद, उस दिन आपके रेस्टोरेंट के बाहर मुलाकात हुई थी आपसे। अच्छा, वो आप समझी थी कि नमक की शिकायत मैंने की है। आपके रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा है वैसे। थैंक यू। बस मैं पहली बार आया ना लॉन्ड्री करने, पाकिस्तान में तो धोबी से काम चल जाता है मेरा। Thank you. Hello? Hello, भाई, तानिया बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आपको 5 दिनों से फोन कर रही हूँ, आप अपना फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। तो आपका फोन क्यों बंद है? अम्मी भी इतनी परेशान है, उन्होंने मुझे खास फोन किया कि मैं आपका पता लगाऊं। I swear, अगर आप आज फोन ना उठाते तो मैंने तो कॉप्स को फोन कर देना था। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है तानिया। Is everything okay? कह तो रहा हूँ ठीक हूँ। मिशेल के साथ सब ठीक है? उसने रिंग नहीं ली। Oh. तुम ठीक कह रही थी, मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ। पर उसने कुछ कहा? कह रही थी तो अच्छा होता, ऐसे ही चुप करके चली गई। तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं उसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है? शायद उसने सरप्राइज होकर ऐसे रिएक्ट किया हो। तानिया प्लीज, मेरे रिजेक्शन को इतना स्वीटली पोर्ट्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिशेल का चेहरा मैं आंखें बंद करके भी पढ़ सकता हूँ, और उसके चेहरे पे जो खैर अब समझ में आया लोग क्यों कहते हैं नेवर फॉल इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड।
If you want, मैं न्यूयॉर्क आ जाती हूँ. नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Are you sure? Yes, I'm sure. अच्छा प्लीज़ अम्मी को ज़रूर फ़ोन कर देना, वो बहुत परेशान है. ये ना हो कि वो न्यूयॉर्क आ जाए. हाँ कर लूँगा. और तानिया प्लीज़ ये बात किसी को मेंशन नहीं करना. ऑफ कोर्स भाई. ओके थैंक यू. चलो बाय बाय. आर यू सीरियस? हाँ मुझे कहती है कि कोई भी पाकिस्तानी लड़की डांस नहीं करती. मतलब वो किस सदी में रहती है यार, और उस बच्ची की उम्र तो देखें. यही कहा था मैंने उन्हें. मतलब हम 2014 में रह रहे हैं और वो पता नहीं किस पुराने ज़माने में फंसी हुई हैं. और अब तो पाकिस्तान भी वो वाला नहीं रहा जो वो समझती हैं. बाय द वे क्या कह सकते हैं? नहीं तो उनसे पूछना था ना कि उनके ख्याल में क्या किया जाए उस बच्ची के साथ. स्कूल से निकाल कर उनको घर में बंद कर दें क्या? और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी फिर उनकी शादी कर लें, और फिर उसके बाद वो बच्चे पैदा कर लें, और फिर वो बन जाएगी एक मुकम्मल पाकिस्तानी, है ना? और फिर ताई जान भी खुश और उनके तमाम जानने वाले भी खुश. छोड़ो अब. नो आई एम सॉरी, मतलब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार ये सब बातें सुनकर. और तुम पता नहीं कैसे रहती हो उनके साथ. हेलो. यस. ओह नो. ओके फाइन, आई विल बी देयर. ओके बाय. क्या हुआ? ईमान की डांस क्लास 1.5 घंटा डिले हो गई है, मुझे जाके उसे पिक करना होगा. कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना मेरी? नहीं, लेकिन तुम अब उसको पिक करके घर लेके जाओगी क्या? नहीं नहीं, अब डांस क्लास की वजह से लड़ाई डाली हुई है घर पे, अब मैं उसे लेकर तो नहीं जा सकती ना. लेकिन 1.5 घंटा क्या करोगी? कर लेंगे कुछ ना कुछ. न्यूयॉर्क है, टाइम तो आराम से किल हो जाएगा. चलो फिर मैं जाती हूँ. हेलो, कैसा है? क्या है यार जमशेद, कहाँ है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता. तू तो अमेरिका पहुँच के भूल ही गया है यार. और बता कैसा लगा अमेरिका? अब तक 2-4 मेमे शेमे तो तुझ पे फिदा हो ही गई होंगी. अब ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है. हाँ भाई, हमें तो तू अब यही कहेगा. अच्छा खैर ये बता, इमरान मामू कैसे हैं? इनका सेटअप कैसा लगा? मेरी तो वो सरकारी नौकरी पक्की हो गई भाई. अपना तो यहाँ अभी कोई काम नहीं बना. क्यों, इमरान मामू ने टैक्सी वगैरह नहीं दिला के दी? नहीं. खैर तू बता, नानी का क्या हालचाल है? घर गया था? हाँ एक हफ्ते पहले गया था. ठीक थी? तुझे याद करती रहती हैं. तू जरा फोन वगैरह तो कर लिया करना उन्हें. हाँ करता हूँ. और यार जरा अस्मा को भी फोन कर ले, वो भी तेरा अक्सर पूछती रहती है. तू मुझे कोई फोन नंबर ही दे दे अपना, मैं उसको दे दूंगा. हाँ नंबर तो नहीं अभी मेरे पास, लेकिन खैर है मैं खुद करता हूँ. हाँ यार तू कर ले, मेरे ख्याल से उसके घर में कोई टेंशन चल रही है. अच्छा खुदा हाफिज़. हेलो. हेलो जी, कौन? इतनी जल्दी मेरी आवाज़ भी भूल गई? भूली नहीं हूँ, इतने दिनों बाद सुनी है इसलिए आदत नहीं रही. ओफ, ना इमोशनल डायलॉग. और तुम्हारा इमोशन से क्या वास्ता? खैर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सो कैसा लगा अमेरिका? जितना तुमने सोचा था वैसे ही है या उससे भी बढ़कर? डांस कर रही हो? पता नहीं. एग्जाम्स कैसे गुजरे तुम्हारे? ठीक. और क्या हो रहा है? वही हूँ जहाँ तुम छोड़ कर गए थे. तो अभी तक छत पर हो? हाँ रोज रात को इस उम्मीद पर जाती हूँ कि शायद किसी दिन तुम वहां खड़े मिलो. आ जाऊंगा, एक बार सेटल तो होने दो. जॉब मिली?
ढूंढ रहा हूँ, देखो क्या होता है। मेरे दो तीन रिश्ते आए हुए, उसमें से एक मेरे मामू के बेटे का है। देखा, इसलिए मैं कहता था एक दफा डिग्री कंप्लीट कर ली सब पीछे पड़ जाएंगे। तुम इस बात पे खुश हो रहे हो? नहीं, मेरा मतलब नहीं था। जमशेद, एक बात बोलू, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। देखो, मुझे पता है कि ना तो तुम्हें अभी जॉब मिली है ना ही तुम अभी वहां पर सेटल हुए हो, लेकिन क्या ये हो सकता है कि तुम नानी से बात करके उन्हें मेरे घर भेज दो? क्योंकि मैं अब अपने घर वालों को ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं नानी से बात करूंगा। अच्छा, मेरा कार्ड खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। लेकिन मुझे अपना कोई नंबर दे दो, मैं कॉल कर लूंगी। हाँ, नंबर नहीं अभी मेरे पास, मैं। हेलो, घर चलते हैं वापस। फिर अगर दादी ने दोबारा डांस क्लास के लिए ना निकलने दिया तो फिर नो। मजाक कर रही हूँ, क्या करना है, यहीं घूमते हैं फिर? नो, पार्क चलते हैं। उससे पहले डोनट्स। डोनट्स, अच्छा। सलमा जी, सलमा जी, सांस ले लें आप। हाँ बस, पटी जाएगी सलमा जी, पटी जाएगी। पहले मैं पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दौड़ लिया करता था। योर डॉटर जी। हेलो प्रिंसेस। हेलो। वो ना पैसेंजर उतारा ना मैंने, तो मेरी उधर से नजर पड़ी आप, तो मैं कहा इधर किधर। वो जी ईमान की डांस क्लास थी, वो डिले हो गई, तो हमने सोचा हम यहीं घूम लेते हैं। ये कौन है? ये पट्टी अंकल बैठे, पट्टी अंकल। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल नेम। थैंक्स। और क्या हो रहा है? फिलहाल तो 1.5 घंटा किल हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी मैंने भी क्लाइंट को ड्रॉप किया ना यहाँ, तो उसने कहा 2 घंटे की वेटिंग है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। तो अच्छा है, आप लोग मिल गए तो कंपनी रहेगी है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे भी पार्क ही जा रहे थे। तो आइए, छोड़ देता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ। क्यों तकलीफ करेंगे? अरे तकलीफ कैसी, पैसे तो वो क्लाइंट दे चुका है, गाड़ी में बैठकर भी तो टाइम वेस्ट होना ही था ना 2 घंटे का, तो चलिए ना। ओ मेरा मतलब है, देखिए मैंने भी तो 2 घंटे गाड़ी में बैठ के लाला ईसा खेलवी की सीढ़ी ही सुननी थी है। तो अच्छा अगर आप लोग होंगे साथ तो वक्त भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए आइए, कम 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 कम। अब मैं क्या कहूँ? कसम से, धर्म का ख्याल ना होता ना तो मैं भी भट्टी साहब की तरह शादी करके यहाँ बैठा हुआ होता आज मजे से। आज पता है, आज ना मुझे 2 टिकटें लगी हैं, वो भी 5th Avenue पे। सलाम अलैकुम जावेद भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं। सलाम अलैकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। खैर तो? हाँ कुछ नहीं। बताते क्यों नहीं है, बताएं ताकि इसे भी पता चले कि हमारी इस मुल्क में क्या असलियत है। छोड़ना यार, हुआ क्या है? वीजा एक्सटेंड नहीं किया मेरा, 2 हफ्ते में इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो इंडिया से वीजा लगवा के वापस आ जाना। और आपके ख्याल से इतनी आसानी से मुझे ये अमेरिकन दोबारा वीजा दे देंगे? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लें, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिस पे वीजा देने में ने कोई मसला हो। हाँ बस एक गलती हुई, किसी अमेरिकन लड़की से शादी नहीं की, वरना देखता कैसे निकालते हैं मुझे। तू जितना इस तरह बातें करेगा ना और ज्यादा टेंशन होगी। क्या करूँ जावेद भाई, इंडिया वापस जाकर क्या करूँगा? छोटे छोटे 5 बच्चे हैं मेरे, वहाँ किराला गांव में बैठ के पालूंगा उन्हें, खेती बाड़ी करके उनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, बताएं?
अब मैं क्या कहूँ? कसम सर, धर्म का ख्याल ना होता ना तो मैं भी भट्टी साहब की तरह शादी करके यहाँ बैठा हुआ होता आज मजे से। अब तू बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है? सच्ची तो कह रहा हूँ, साले पिस्ते भी हम ही जैसे लोग हैं। तू आ मेरे साथ, जो मुँह में है तू बोलता जा रहा है। Yes, yes, I'm fine. I just felt terribly sick. And please excuse me on behalf of the Chicago people. No, actually, I will send them an email personally. I will see you at work. Bye. लगी हुई थी। ला भी मेरा बच्चा, ये दो मिले डोनट्स हैं, ये ले। हैं? भट्टी साहब अभी खत्म किया उसने। अरे कोई बात नहीं, ग्रोइंग बच्चा है, खाने दे उसको। खा खा। ईमान, did you ask for another one? Just one more. भट्टी साहब इसे इजाजत नहीं है इतना मीठा खाने की। हमारे दांत गिर जाएंगे ना, फिर ना माम माम करती फिर ना। और सलमा जी, ये दांतों ने कौन सा कोई सदा रहना है? अम्मी जी के भी गिर गए थे, मैंने लगवा दिए थे। हाँ हाँ, खा खा मेरा बेटा, तू ईट ईट ईट। That's really bad. कितने का था ये? $1,00,000 के आए। और कैसी बातें करती हैं, मैं पट्टी हूँ। अब पट्टी होके मैं इससे डोनट के पैसे लूंगा? कैसी बातें कर रही है? आप बताएं, आपके लिए लाऊं मैं दौड़ के? नहीं शुक्रिया। तू खा मेरा बेटा। मैम अभी आई पैक एंड गोइंग बाय द वाटर। ध्यान से मेरा बेटा, डूंगा है बहुत ये पानी है। वेरी क्यूट, यू हैव वेरी क्यूट चाइल्ड है, वेरी क्यूट। थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जब मुझे उर्दू आती है तो आप इतनी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? क्यों शर्मा जी, मैं क्या रज के बुरी अंग्रेजी बोलता हूँ? और देखिए शर्मा जी, ये जो अंग्रेजी मैं बोलता हूँ ये भी यहाँ पिछले 14-15 सालों से गलत बोल बोल के ही सीखी है। चलिए कभी ना कभी तो अंग्रेजी मेरी ठीक हो ही जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। आपके जज्बे की दाद देनी होगी भाई। शर्मा जी, ये जज्बा नहीं है, ये ढिटाई है। हिम्मत है शर्मा जी, सुनने वालों की हिम्मत है कि सुन रहे हैं। मेरा क्या है, मेरे तो जो मुंह में आता मैं बोलता जाता हूँ। हाँ, वैसे आई मस्ट से यू हैव मेस्मराइजिंग स्माइल। जी जी हाँ। अभी तक तो क्यूट था लेकिन mesmerizing, काफ़ी हैवी ड्यूटी अंग्रेजी बोलने लग गए आप भट्टी साहब। अरे सलमा जी, मेरा कौन सा कोई अपना बनाया हुआ लफ्ज़ है, ये तो कैथी बोल रही थी। मुझे लफ्ज़ अच्छा लगा, जो लफ्ज़ मुझे अच्छे लगते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ना मेरे फिर ज़ुबान पे ना वो चढ़ जाते हैं, तो मैंने कहा कि मौका है इस्तेमाल ही कर लो। कैथी कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। सुलह हो गई आप दोनों? ओह यस यस यस। अब वो लॉयर वाला मसला है? हाँ, ये तो छोटे छोटे मसले हैं, चल रहा है अभी, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या करते हैं भाईजान? मॉम इट्स 5। इट्स 5, चलो फिर निकले, मैं फिर लेट हो जाऊंगी क्लास। नहीं नहीं नहीं, लेट चलना मेरा बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं जी, और देर हो जाएगी गाड़ी में, बस यही है 2 ब्लॉक छोड़ के। पक्का? हाँ जी पक्का पक्का, चलेंगे। थैंक्स। ओके बेटा, ओके। And let me tell you, I know what you Pakistani men are like. No, I don't smoke, I'm telling you. Listen to me. Get out of my house.
हेलो हेलो हाय क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कॉल मेरी नहीं काफी देर से एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन पता नहीं था कि तुम कॉल करोगे या नहीं इसका मतलब है मैंने सरप्राइज ही दिया खैर वो तो लास्ट टाइम भी कर दिया था तुम भी तो कर सकती थी कॉल हाँ वो मैं पता नहीं था कि कॉल करके क्या कहूँ मेबी देखो मिशेल ना तो हमारी ऐसी उम्र है और ना ऐसी दोस्ती है कि एक दूसरे को कुछ कहने के लिए इतना सोचना पड़े शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ लेकिन कह देती खैर मिलेंगे तो बात करेंगे ठीक है तो अब कर लो क्या मतलब दरवाजा खोलो बाहर खड़ा हुआ Who's this? This is Sandra. She's not around at the moment. I'll go look for her, okay? Hold on. Isabella? Isabella? Mark? Holy, what the hell are you doing in here? How did you get in my room? No, there's a phone for you. Stop making excuses! Mom! Mom! Are you shouting? Izzy, I'm telling you there's a phone call for you. That's Wait, what is going on in here? And why are you shouting? What are you doing in her room? I there was a phone for her, so I came to tell her the door was open. I knocked. He's lying. I never heard him call my name. How dare you come into her room? No, I'm telling you this phone call for her. And I called her name and then I came and knocked at the door. Door was open. I swear, mommy, I knocked. Don't call me that. And why do I smell smoke in here? He was smoking. He threw it out the window. What? I don't smoke. Get out before I call 911. And let me tell you, I know what you Pakistani men are like. No, I don't smoke. I'm telling you. Listen to me. Get out of my house. Stay outside till Imran comes back. I'm locking the door. Get out! Please. I can't damn well relax. He walked into my daughter's room. He went to call for a phone. That is such crap, Imran. And who gave him permission to do that? Do you know if I hadn't heard her scream and if I hadn't come in, God knows what would have happened. Come on. Yeah, he's my nephew. Yeah, before that, he's a Desi man. And you know how you all are. You come to America, you're frustrated, you wanna... Ugh, I don't know. No. You're telling me he went to her room just to see where she is? Yeah, and you're going to believe the fact that he doesn't smoke either. Kathy, come on. You know what, Imran? I want him. I want his luggage, I want him, and I want him out of my house tonight. Where will he go? I don't give a shit. If you don't get him out of my house, I am going to get a restraining order, and after that, I'm going to deport him. No. Not fair. Not fair. You go to hell. Kathy? तू भी क्या सोचता होगा ऐसा मामा है ना घर पे रख सकता है ना नौकरी दिला सकता है हैं? नहीं मामू मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ
मामू कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूँ मैं। मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। और पता है मुझे कौन पीता है कौन नहीं पीता। क्या कहा मामी ने? उतर गई है और क्या, पागल हो गई है। मेरे जाने का क्या है? मेरे जाने का क्या है? आप फिक्र ना करें मामू, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ना ना तैयार मेरे फिटे मुंह में भट्टी साहब आपका। आप टेंशन ना लो यार। कैसे ना लूं टेंशन? एक भांजा है मेरा, उस जाहिल औरत को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है गलती हो गई है, दफा कर, तू माफ कर दे, खत्म कर बात को, लेकिन नहीं, इस चमड़ी के साथ गलती की माफी है ही नहीं। तू भी क्या सोचता होगा, कैसा मामा है, ना घर पे रख सकता है ना नौकरी दिला सकता है, है? नहीं मामू मैं ऐसा नहीं सोचता। तुझे भी क्या जरूरत पड़ी थी उसके कमरे में जाने की? वो दफा करता, फोन था ना, बज रहा था, बजने देता। तू भी सॉरी। मार भी नहीं सकता तुझे मैं, शक्ल मिलती है तेरी तेरी मां से, हैं? लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा मामू। वैसे मुझे पता चल गया कि आपकी किसी टैक्सी कंपनी में पार्टनरशिप नहीं है। अड़तीस साल में अगर कोई शख्स पहली दफा प्रपोज करे और रिजेक्ट हो जाए तो लॉजिकली उसका डिप्रेस होना बनता है ना। वो जमशेद तो नहीं आया तुम लोगों की तरफ? जमशेद नहीं, जमशेद तो आपकी तरफ है। पता नहीं ये अमेरिका भी क्या चीज है, मेरे तो सारे अपने चुन चुन के ले गया है। और माँ जी। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। तुम एक्चुअली कल तुम्हारे लिए एक बहुत वियर्ड कॉल आई थी। कौन था? नाम नहीं बताया लेकिन बहुत अजीब बातें कर रहा था। माय ओनली सिस्टर, नो माय ओनली डेड सिस्टर, ओनली चाइल्ड, यू थ्रो हिम आउट लास्ट नाइट, आई डोंट नो वेयर ही